बाकी जब आप बहुत घूमल बानी कॉलोनी में, जब आप कहला ना हमके मान लो उचास देश बा, जब हमके कहला भैया आप कि बी ऐसा ना मिली, काहे के आप साहब भागा तड़ा झूठ मुठ का ना यहाँ ही है। हम कहल कि ना ये बात भैया सही है, कहत हूँ ये ठीक बा, अपन बात है बनावे के बा, अपन कहीं काम करे के बा। ये बड़ा वाला नींबू है ना, तो मीठा लगे खट वाला हो। अब देखा तो मान लो कि धरती से उगल बा जवान जुगल का बा, आई मर्चा का हो दादा तो हरियर का मर्चा बा देता लेना क्या बा देता वो होनिया बट होनिया बा क्या बा देता नहीं तो यार ये तो हाँ वाला हो सूरजमुखिया वाला दे तो आई मर्चा री सराय टंगा नहीं लगल पूरा फरल भाई सूरजमुखिया हो तो हम वीडियो बना लें है का चीज का पेड़ है अकोल एक दे दिया जान लो भैया एक दे दिया ले जाके हम लगा दिए अपन के है ये छोटका के आई मेथी है ना आई मेथी है ना मेथी का फराटा तो बन सकेला क्या बात है भाई गेहूँ बोल हा बारे बड़े भैया लगा हाबूस खा ले लिए साल अब गावे चल जी तब ना हाबूस मिली ये प्याज है ये प्याज है ये देखो ये केला है पानी के विकास बनाओ हाँ रोय के जमाओ है सही बात है जमा के पानी मांगो यही है भैया ये मेरे रखवाले हैं पेड़ पौधों का इनका नाम है मुंडा भैया वास्तव में मुन्ने है मुन्ना मिस्टर मुन्ना मिस्त्री मिस्टर ना मिस्टर ये वाला तोड़ दीजिए ना ये वाला देना चार पाँच दिख रहा है बड़ा बढ़िया है भैया तू तो एक मतलब तो के कुछ खरीदे के बाद तेन रुका रुका थोड़ा मत पहले तेन वीडियो बना नहीं भाई तेन वीडियो बना ली है मर्जा फरला का तोड़ी थोड़ा आ जा मर्चा भैया ये है भैया ये लगाते हैं सीटिंग प्लांट करते हैं नए नए बीज लगा के तैयार करते हैं आपका पूरा वीडियो बना कर अपलोड कर दूंगा मैं ये गड़िया पर ना यहाँ भौरी भी बना के खाते हैं ये भौरी सेक सेक के खाते हैं यहाँ पे ये अनार का पौधा है मेरे अनार का पौधा लगाया हुआ है इतना बड़ा है देखिए और जो पेड़ बाबा ना अनि भैया का उससे बढ़िया बा पेड़ अनार का फरेला हमेशा साला फरेला ही बाकी पाकेला ना ढंग से हो कच्चे मत ही रहला का है तुलसी माता जी हैं खूब पूजा करते हैं ऐसे का नाम हो भैया लता का पेड़ है सही लता का पेड़ है ये वीडियो बना रहे एकदम एस टी एस टी में ये देखिए लहसुन है क्या बात है ये लहसुन है भैया देख लीजिए ये देखिए पाइप से पानी यहाँ देख रहे हैं कितना बेहतरीन बेहतरीन है पानी दिखा दीजिए और ये देखिए पानी पाइप से पानी दे रहे हैं यहाँ से ये पाइप आ रहा है ये पानी निकल रहा है पानी देखिए पानी आ रहा है क्या बात है अपने पौधों अपने फसल की सिंचाई करते हुए ये देखिए कितना बेहतरीन फूल है प्रेम भाव से रहते हैं मिलजुल के रहते हैं ये लोग देखिए यहाँ पे धनिया भी बोया हुआ क्या बात है जस्ट इमेजिन धनिया रूम देखा ये है R5 18 इसमें मुन्ना भैया रहते हैं और ये है R5 17 इसमें
क्या नाम है उनके पापा का? जगदीश भाई रहते हैं इसमें रूम में से वीडियो में तो बड़ी झकास आता है भाई। तो कह दे तो भाई कुल लगाओ बात नो के अब उसके बाद है वो अचानक बोल का हो बोलिए ना ना है धनिया चना गेहूँ और सामान आलू वालू तो नहीं चना कर ले लें हाई का चीज़ है हाई का जन लगा था ये भांग बता रहे हैं भांग का है ये नींबू है नहीं सिरफल है इसके बाद इसमें चना भी बोया हुआ है चना है ये आलू है ये तुलसी है केले का पौधा है वो नींबू है और ये देखिए सबसे मुख्य चीज अरहर अरहर में फल भी लगा हुआ है और ये प्याज संडा पोया हुआ संडा प्याज सग्गा प्याज ये भैया पानी देते हुए अपने सिंचाई कर रहे हैं पौधों का अपने फसल को सींच रहे हैं क्या बात है दिल गदगद हेलो दोस्तों मेरा दिल गदगद हो गया है यहाँ का देख करके एक रोज मैं आया था महीने दिन हो रहा है या 20 दिन हमको लग रहा है कि आया था रात को मैं देख नहीं पाया ढंग से आज मुझे समझ में आया देखो पानी की सिंचाई कर रहे हैं सिंचाई करते हुए फल उगता है भाई देख लो भाई पानी दे रहे देखिए कितना फवारे दे रहा है बड़ी बहुत मस्त लग रहा है फवारा पानी देने से इतना फल मिलता है आगे देखिए इसमें आलू बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है देख लीजिए बहुत धीरे धीरे जब कष्ट हो रहा है आलू पूरा बड़ा बड़ा हो गया वो हाँ ये देखा ये आलू है ना देखिए ये आलू है ये आलू दिख रहा है ये आलू पानी देने से मेहनत करने से हल हो जाती है मैं भी साथ में बना लेता हूँ घर ही करूँ ना क्या आवा था अभी ये ठंडा करेंगे गर्मी के दिनों में पानी तर करेंगे तर करने से थोड़ा क्या है कि आसपास के वातावरण ठंडा रहेंगे थैंक यू